हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास टेंथ का संसाधन चैप्टर, और ये ज्योग्राफी का है जो कि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिम्मरमैन ने कहा था, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग फटाफट करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा भूमि, जो है ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जैसे जल भी हो जाएगा भूमि संसाधन, यदि प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन तो प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, नगर जो है ये कृत्रिम संसाधन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो देखिए, सौर ऊर्जा को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कोयला जो है, कोयला कौन सा संसाधन है, तो कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय, देखिए, तो देखिए नवीकरणीय में जल आ जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा, सौर भी नवीकरणीय है, पवन भी नवीकरणीय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 6, लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताइएगा, तो लोह अयस्क जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन होता है? ये अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, लोह अयस्क क्या क्या होता है? तो बॉक्साइट जो होता है वो लोह अयस्क होता है, बॉक्साइट, सॉरी, वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट, याद रखना है ना। लोह अयस्क कौन कौन होता है? तो मैग्नेटाइट होता है, हीमेटाइट होता है, याद रखेंगे ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो नवीकरणीय इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है? और नवीकरणीय संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो बताइए इसका, इसमें क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? तो देखिए, खनिज तेल का जो भंडार है वो क्या है? लिमिट है, बाद बाकी सब जो है अनलिमिटेड मिलते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 किलोमीटर कहलाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ये कथन किसका था? तो गांधी जी का था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। आपको पता है मेधा पाटेकर ये क्या क्या था, बताइएगा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, वो मेधा पाटेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से जो होता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? बताइएगा, तो सबसे पहले किसने वकालत किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लब ऑफ रोम ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन जो है 1968 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लाया गया था। उसके बाद याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था, बताइएगा आप लोग फटाफट, तो 16 नंबर का हो जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। दूसरा हुआ था 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तीसरा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अभी हम जस्ट बताए हैं, न्यूयॉर्क में हुआ था और
1997 में हुआ था, और 1997 में ही क्योटो सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन? क्योटो सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योटो सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किए गए थे? तो क्योटो जो है ये जापान है, तो क्योटो जापान का एक शहर है, इसलिए जापान हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो पहाड़ से जो भरा भूमि है वो कितना प्रतिशत है? वो 30% है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण में निम्न में प्रक्रिया शामिल होती है, यानी मृदा निर्माण में कौन कौन प्रक्रिया शामिल होती है बताइएगा। तो 20 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपक्षय क्रिया भी होती है और अपरदन क्रिया भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी नदी, कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ये, बताइए फटाफट, प्रायद्वीपीय भारत में है ना, तो ये हो जाएगा सही जवाब, हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। 21 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है जलोढ़ मिट्टी का है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें क्या चीज़ की अधिकता होती है भाई? बताइएगा लोह अयस्क के कारण इसका रंग काला होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, बांगर जो एक होता है बांगर, एक होता है खादर। खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो अभी तुरंत बताएं, भांगर कहा जाता है, याद रखिएगा। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटास। क्या पाया जाता है? पोटास। नाइट्रोजन की कमी होती है, सबसे कम कौन होता है? नाइट्रोजन, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी हो जाएगा? तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो 25 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो देख लीजिए, इसमें महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है बताइएगा? तो लेटेराइट का लाल होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में स्थित है? तो मरुस्थलीय आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ये राजस्थान इलाके में पाया जाता है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में ही देखने को मिलता है। आइए प्रश्न अगला देखते हैं, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो बताइएगा कौन सा मृदा पूछा जा रहा है यहाँ पे? तो 31 का क्या होगा सही जवाब? तो देखिए, मृदा का विस्तार जो है ना सब इसमें कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के बारे में ही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत में चारागाह के अंतर कितनी भूमि है? तो चारागाह के अंतर्गत जो है कितनी भूमि है, तो याद रखिएगा 4.71% है, 4.71% है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है बताइएगा? तो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है बताइएगा? तो कौन सा उपाय हो जाएगा 34 का बताइएगा? तो 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, 35, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो बताइएगा रक्तहीन क्रांति की शुरुआत जो है भूदान के लिए कौन किया था? तो 35 नंबर का बताइए जरा, तो हो जाएगा विनोबा भावे ने किया था, याद रखिएगा भूदान आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। बताइएगा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में प्रचलित है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन को क्या कहते हैं? तो एंड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रिन कहते हैं। नेक्स्ट, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है वो चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है?
मंगल को कहा जाता है? पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 40 नंबर का दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जल इसी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो 41 नंबर का डी होगा 96.5%। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? मृदु जल आपको बताना है। 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2.5% मात्र मृदु जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 43, तो हो जाएगा पूर्ववर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, पूर्ववर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? यानी हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन शामिल नहीं है? 44 का क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो हो जाएगा महानदी, है ना, ये महानदी होगा सही जवाब। गंगा नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये हिमालय से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा बनाती है। तो 45 का हो जाएगा काली, काली नदी जो है भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है, बॉर्डर साझा करती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 46 का बहुत ही शानदार जवाब हो जाएगा, 65% होती है। आप लोग को भी पता होगा भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्या चीज़ में किया जाता है जरा कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद रख लेना है, सिंचाई में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा है कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल 9th और 10th लेवल का हो चुका है। भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? 48 का बताएगा, तो हो जाएगा 11%। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? भाई गजब क्वेश्चन है, लल्लन टॉप प्रश्न है। तो किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का क्या होगा, वो हो जाएगा कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहाँ पे है भाई? तो ये राजस्थान में है, भारत का सबसे बड़ा नहर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है इंदिरा गांधी नहर योजना है। चंबल, तो ये चंबल कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नागार्जुन, कृष्णा नदी, भाखड़ा, नांगल परियोजना जो है ये महानदी, सतलज, भाखड़ा, सतलज। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है? 54 का हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा करेक्ट जवाब। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रपुरी जलाशय योजना ये बिहार राज्य में स्थित है, बहुत ही खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 51 सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वान सागर जलाशय, तो 58 का हो जाएगा सोन नदी, कौन सा नदी हो जाएगा? सोन नदी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 133वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? भाई गजब क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज़? आर्सेनिक हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? 61 का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दूषित जल, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है भाई? पूरे भारत में, तो 62 मानसीराम होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, मानसीराम में सबसे ज़्यादा और चेरापूंजी में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य कर दिया है? भाई ये बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया था, ये हो जाएगा बताइएगा, तो 63 का क्या होगा जल्दी जल्दी बताइएगा, तमिलनाडु, कौन हो जाएगा तमिलनाडु, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है कब चालू किया था बताइएगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1986 में, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो बताइएगा 65, तो 65 का हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? तो 66 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या चीज़, तो 19.27%, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पे है? तो 67 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 20% भौगोलिक क्षेत्र में है, और भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या चीज़ बताइए, 68 नंबर का सही जवाब, तो 21.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो आप लोग को पता होगा कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, ठीक है, जबकि भारत में लगभग 20% है। मैग्रोव वन का जो है सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर स्थित है? तो 70 नंबर का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सुंदरवन की डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन की डेल्टा भारत विश्व की भारत की सबसे बड़ी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर वन है? तो 72 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 60%, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग सबसे क्षेत्रफल अधिक है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? बिहार में, तो बिहार में मात्र 7% है, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में किया गया है बताइएगा, संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से कितने भागों में? तो 3 भागों में है ना, अवर्गीकृत वन, रक्षित वन, और कौन सा एक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 76 का बी, 3 वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा हो जाएगा? तो 77 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझर वन, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं चंदन? तो 78 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है किस वन का वृक्ष है? तो ये पतझर वन का वृक्ष है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार किस प्रकार का वन का वृक्ष है? देवदार 80 नंबर का बताइएगा, तो ये पर्वतीय वन का है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26,200, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन वन एवं वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा नहीं है, याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 82 का बताइएगा, 82 का हो जाएगा सी, व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। टैक्सोल होता है भाई, गजब, टैक्सोल हिमालयी पौधा से पाया जाता है, टैक्सोल ये कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। कुनेन किस रोग की दवा है? कुनेन बताइएगा, 84 का हो जाएगा मलेरिया, कुनेन मलेरिया के लिए दवा है। चरक का संबंध किस देश से था भाई? तो भाई भारत से था, चरक भारत से। इनमें कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? तो बताइए 86 का क्या होगा सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक हो चुका है? तो 87 का बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा वनस्पति, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब।
और विलुप्त प्रजाति के लिए एक लिस्ट है, रेड डाटा बुक, जो कि UNDP के द्वारा जारी होता है। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से जाना जाता है? संकटग्रस्त प्रजाति तो 88 का क्या होगा बताइएगा, तो रेड डाटा बुक ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो 89 का बहुत ही शानदार जवाब हो जाएगा, वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 51 के ए जी का संबंध किससे है? तो याद रखना है वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। तो इस तरह से हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कवर कर चुके हैं। यदि वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।